हाई एवरी वन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माई चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट टू के 16। सो गाइज, कंटिन्यू करते हैं अपने कोडिंग नाइटर मिनी प्रोजेक्ट के साथ। सो गाइज, अभी तक जो हमने कर लिया है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे जो आज हमें करना है। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है यूज़र पैनल जो हर यूज़र को दिखेगा, और यहाँ पर हम सारे के सारे आर्टिकल्स को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। और गाइज, उसके हिसाब से ये सर्च भी होगा जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में देने वाला हूँ। और जैसा कि गाइज आप ये देख रहे हो, व्यू फीडबैक ये हम अचीव कर चुके हैं, यहाँ हमने सारे फीडबैक डिस्प्ले करवा रखे हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल फाइल में डेटा आप देख पाओगे। और उसके बाद गाइज, हमने ये न्यू डेमो देखा था, जस्ट मैंने आपको बताया था कंट्री स्टेट सिटी वाली फंक्शनलिटी को कैसे अचीव करते हैं कोडिंग राइटर के अंदर, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद गाइज चलते हैं लॉगिन पैनल के अंदर, जो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है कोडिंग राइटर के अंदर। तो ये है साइनअप फॉर्म, अगर आप यहाँ पे डिटेल फिल करते हो तो ये डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगी, और इसके अंदर मैंने आपको ईमेल वाला कोड भी बताया था। और गाइज, ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगी, ये कंप्लीटली एकदम वैलिडेशन के साथ है। अगर मैं डायरेक्ट सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये वैलिडेट करेगा, ये भी हमने देख लिया है। उसके बाद गाइज, यहाँ पे हम चलते हैं लॉगिन के अंदर, और यहाँ पे हम यूज़र नेम अगर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो सबमिट करने के बाद हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कम्प्लीटली हमने अचीव कर लिया है डिलीट फंक्शनैलिटी को, एडिटरली फंक्शनैलिटी को हमने अचीव कर लिया है। और उसके बाद आर्टिकल को अगर आपने ऐड करना हो वो कैसे करेंगे, वो भी हमने देख लिया है। लॉगआउट फंक्शनैलिटी को भी हमने देख लिया है, और ये जो पेजिनेशन आप देख रहे हो ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक नहीं है, और सीरियल नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि सीरियल नंबर को कैसे प्रिंट करवाएं प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि गाइज आपको कहीं ना कहीं याद होगा कि ये जो डेटा रिट्रीव हो रहा है ये तो अपने तरीके से जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था वैसे रिट्रीव हो रहा है, बट हमने पेजिनेशन का यूज़ किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं पेज 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आता है 3, और मैं 3 पे जाता हूँ तो यहाँ क्या आता है 6, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी वैसे ये बता चुका हूँ, और यहाँ पे आप देख भी रहे हो तो क्वेरी क्या बन रही है यहाँ पे मेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल वेयर यूजर आईडी 1 और लिमिट क्या है 6 और 3। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइज आपको कि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा लॉजिक जैसे बनाया था इसका, जो मैं भी थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर जैसे ही मैं लॉगिन करूँ तो लिखा है वेलकम जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसका नाम, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा वैसे। क्योंकि गाइज यहाँ ध्यान से देखिए, जो आप अभी जिस जो यूज़र लॉगिन है उस यूज़र का नाम क्या है, उस यूज़र का नाम हम देख लेते हैं एक बार, चलते हैं यूज़र टेबल के अंदर। उसका नाम है सुनेजा और अजय, तो प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जैसे ही मैं ऐड आर्टिकल करूँगा तो जो यूज़र लॉगिन है गाइज वो अपना आर्टिकल डालेगा और बॉडी डालेगा और यहाँ सबमिट करेगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स आप देख रहे हो ना, ये सारे अजय ने ही डाले हैं। अगर मैं किसी और यूज़र से लॉगिन करूँगा तो ये आर्टिकल्स नहीं दिखेंगे। तो हमने इस तरीके से लॉजिक बिल्ट किया था, ठीक है। तो ये लॉजिक तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेशन के अंदर हम ईमेल आईडी भी स्टोर करवा देंगे, ठीक है, और फिर ईमेल आईडी को हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, जैसा लॉजिक चल रहा है वैसा ही रहेगा, बट सिंपली हम क्या करेंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर जो हमारा होम पेज है वहाँ पर हम वेलकम ईमेल आईडी डिस्प्ले करवाएंगे जो यूज़र लॉगिन है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, सो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कोई बात नहीं है। सो आज हम देखेंगे सीरियल नंबर कैसे हम इसको सीक्वेंस वे में लेके आएँ, और ये जो लिमिट आप देख रहे हो गाइस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए होता क्या है, अगर आप खाली लिखोगे लिमिट 30 तो 30 रिकॉर्ड तक ही, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेटाबेस में 100 रिकॉर्ड हैं, आपने लिखा लिमिट 30 तो स्टार्टिंग के 30 रिकॉर्ड लेके आएगा। आपने लिखा लिमिट 10 ऑफसेट 15 तो 10 रिकॉर्ड लेके आएगा। ऑफसेट 15 का मतलब ये है 16th रो से, मान लीजिए 100 रिकॉर्ड है तो आपने मेंशन कर दिया ऑफसेट 15 तो 16th रिकॉर्ड से 10 रिकॉर्ड लाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक डेटा लेके आएगा, ठीक है जी, क्लियर है ये। तो इसे यहाँ से बंद कर देते हैं हम, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे आपको, फिर भी थोड़ा सा जस्ट फॉर रिविज़न के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर एडमिन के अंदर। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने पेजिनेशन बनाया था, कन्फिग के अंदर सारी अपनी डिटेल दे दी थी, आर्टिकल लिस्ट के अंदर हमने क्या पास किया था कि हमें पर पेज कितना रिकॉर्ड चाहिए 3, तो हमने पर पेज पास किया। और यहाँ पे हमने एक URI क्लास यूज़ की जिसके पास एक फंक्शनल सेगमेंट, तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखिए 1, 2 और 3 तो हमने यहाँ पास कर दिया 3, सो हमने यहाँ गाइस पास कर दिया 3, ठीक है। तो जो भी ऑफसेट बनेगा वो 3 पे बनेगा, ये कोडिंग राइटर आपको अपने आप बना के देगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे पर पेज चाहिए 3, अब ये फंक्शन के पास जाएगा आर्टिकल लिस्ट के अंदर, तो आर्टिकल लिस्ट में चलते हैं यहाँ पे। सो
सो यहाँ पे हमने लिमिट को रिसीव किया जो पर पेज 3 और ऑफसेट रिसीव किया, उसके बाद सिंपल क्वेरी फायर की अपनी आईडी के साथ डेटा को लेके आया और यहाँ पे लिमिट फंक्शन ने पास कर दिया, दैट्स इट। ठीक है जी, तो जैसे ही अगर आप 2 पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है 3 और मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आता। तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 रिकॉर्ड है, लिमिट रहेगी 3। देखिए यहाँ पे जैसे ही 2 पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाए 3,3, तो यहाँ 3 हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, 1 पे क्या है 3 रिकॉर्ड आ गए, सेकंड पे क्लिक किया तो क्या हुआ ऑफसेट क्या हो गया 3, तो क्या रिकॉर्ड आएंगे 4, 5, 6, और जब मैं 3 पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा ऑफसेट क्या हो गया 6, तो क्या रिकॉर्ड आएंगे 7 और 8। ठीक है, एक मतलब एक्स्ट्रा, मतलब आप प्लस कर लो उसमें। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब मैं एक काम करता हूँ फटाफट से, टाइम को बिना वेस्ट करे चलते हैं यहाँ पे सिंपल और इस सीरियल नंबर को ठीक करते हैं। तो मुझे पता है मैं URI क्लास यूज़ कर रहा हूँ, सेगमेंट फंक्शन मेरे पास है ही, तो चलते हैं डैशबोर्ड पे और मैं यहाँ पे देखता हूँ जहाँ मैंने डेटा को रिट्रीव करवा रखा है, लूप मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे सिंपल काउंट, और यहाँ पे डॉलर दिस URI सेगमेंट 3, तो जो 3 पे होगा उस टाइम नंबर वो यहाँ पे आपको लाके दे देगा। सो यहाँ इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे सिंपल लेते हैं TD और यहाँ पे हम सिंपल करते हैं PHP का सिंटेक्स फॉलो, और यहाँ पे देता हूँ मैं ये, ठीक है, और यहाँ कर देंगे प्लस प्लस प्लस। ठीक है जी, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे गाइज आ गया 1, 1, 1, और चलते हैं सेकंड पेज पे तो क्या आता है यहाँ पे 4, 4, 4, जो कि सही काम नहीं कर रहा है। सो गाइज देखिए यहाँ पे क्या इशू लग रहा है, एक बार देखते हैं 1, 1, 1, उसके बाद 4, 4, 4, अभी हमने लूप में डाल दिया, लूप से हटा के हम डालेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि फिर लूप के हिसाब से चलाएगा ना वो, तो हमें तो क्या चाहिए करंट टाइम पे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मिल तो रही है पर वो लूप में चल रही है तो फिर वैल्यू सेम ही रिटर्न कर रहा है वो बार बार। अब यहाँ पे हमने दे दिया सिंपल, अब देखिए आप अभी प्रॉपर सही चलेगा, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। ठीक है जी, तो अब देखिए थोड़ा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो। स्टार्टिंग में क्या हो गया 1, 2, 3, तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा 0, तो ये 0 करेगा 1, 2, 3। अब जैसे ही उसको मिलेगा यहाँ पे ऑफसेट क्या 3 मिल गया, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी काउंट में 3, तो ये कर देगा 4, तो क्या हो जाएगा 4, 5, 6। जैसे ही थर्ड पेज पे गया क्या हो गया 6, तो 6 मिल गई यहाँ पे वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या होगी 6, तो 7 और 8, तो 7 और 8 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। सो गाइस ये था, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो URI सेगमेंट फंक्शन, जो URI क्लास के अंदर होता है उसका यूज़ करके आप इस तरीके से बेसिकली URI जो है एक क्लास है जिसके अंदर जो URL के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप रिट्रीव कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तो एक जनरल पर्पज़ पे आपने देखा कैसे मैंने यूज़ किया, आप और तरीके से भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको वैल्यू निकालनी URL से। ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप गाइज आपको ये क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, तो गाइज आई बात सोर्स कोड की, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि आपको सोर्स कोड नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, क्योंकि गाइज कुछ मेरे गिटहब में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आज आपको जो सोर्स कोड दूंगा अभी तक जितना हमने देखा है वो एकदम कंप्लीट सोर्स कोड दूंगा मैं, जो आपको लिंक दूंगा गिटहब का, आप वही यूज़ कीजिएगा, और डेटाबेस जो अब तक अप टू डेट है मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। फिर भी कोई दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेट सेट मुझे ये आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म करना था। अब गाइज जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम सिंपल जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, जो यूज़र लॉगिन कर रहा है और जो आर्टिकल वो डाल रहा है वो कोई और यूज़र नहीं देख सकता। ठीक है, जो यूज़र लॉगिन कर रहा है जो डाल रहा है वही उसको विजिबल है, जो हमारी फंक्शनैलिटी अभी इस तरीके से काम कर रही है। सो यहाँ पे सिंपल हम वेलकम करवा देंगे, ताकि जो सेशन के अंदर एक ईमेल आईडी भी स्टोर करवा देंगे, और यहाँ पे हम सिंपल डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे जो मेरा मेन पैनल है यूज़र वाला, वो जो मुझे कंप्लीट करना है, सारे आर्टिकल्स यहाँ डिस्प्ले करवाएंगे, सर्च चलाएंगे, ये हमारा पेंडिंग पार्ट है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कैसे काम करती हैं वो हम देखेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।